पर दाखिल होगा। और कोई शख्स आगे जाता है और इसीलिए इज्जत की कोशिश करता है, इस हाल में कि वो मोमिन होता है, तो उनकी कोशिशों का पूरा बदला चुका दिया जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लुत्फ करम का एक मुजहरा ये भी है, जो के नेक बंदे हैं वो अपने आमाल सालिहा के जरिए उसकी रिदा और खुशनुदी और हुसूल जन्नत का इरादा करते हैं, तो अल्लाह ताला उनके हर अमल सालिह का 10 से 7 गुना तक सवाब देता है, और जिससे भी ज्यादा है उससे भी ज्यादा देता है। मगर जिनका मकसद दुनिया और आखिरत का हुसूल होता है, तो अल्लाह ताला उसका बदला उसकी दुनिया में दे देता है, लेकिन आखिरत में उनका ठिकाना जहन्नम होगा। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मन कान युरीद हरसल आखिरत नज़िर लहु फिहा हसनी व मन कान युरीद हरसल दुनिया नुतीहि मिनहा फमा लहु फिल आखिरत मिन नसीब। जो शख्स दुनिया ज्यादा जैसा आखिरत की खेती यानी फायदा ज्यादा है, हम उसका कुछ हिस्सा दे आ जाए, हम उसकी खेती में इजाफा करते हैं। और कोई शख्स दुनिया की खेती यानी फायदा ज्यादा है, हम उसका कुछ हिस्सा दे देते हैं, और आखिरत में हमारे सारे का कोई हिस्सा अच्छे नहीं मिलेगा। ये आयत करीमा उन लोगों के लिए बंद है जो आमाल सालिहा तो करते हैं लेकिन उसमें अखलास विल हया नहीं है, तो आमाल कयामत के दिन उनके रबार जान बन जाएंगे और उनका ठिकाना जहन्नम होगा। सीना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रोज़े कयामत जब हिसाब किताब शुरू होगा, तो अल्लाह ताला सबसे पहले एक ऐसे आदमी को बुलाएगा जब अल्लाह अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए कत्ल हुआ था, उससे पूछेगा क्या मेरे बंदे तूने क्या अमल किया, वो कहेगा अरे अल्लाह मैंने तेरा में जिहाद किया यहाँ तक के कत्ल कर दिया गया। अल्लाह से कहेगा कि तूने जिहाद इसी ने किया, लोग तुझे मुजाहिद कहे, लोग तुझे बहादुर कहे, सो ये बंदा तुझे दुनिया में मिल गया, फिर उसको गसी तेरे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। मेरे भाइयों, उसी तरह याकाल मादार और याकाल आलम को गसी तेरे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको आखिरत की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और दुनिया में रहकर नेक अमल सालिह करने की तौफीक अता फरमाए। آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته